महाराष्ट्र की पंचगंगा नदी के किनारे बसा कोल्हापुर शहर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ सदियों से धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। भव्य स्मारकों और पुराने मंदिरों वाले शहर को महातीर्थ भी कहा जाता है। कोल्हापुर वो ऐतिहासिक भूमि है जो सन 1782 तक मराठा राज्य की राजधानी तथा मराठा साम्राज्य के पराक्रम और साहस का साक्षी रही। यहाँ से 20 किलोमीटर स्थित पन्हाला किला इस क्षेत्र के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये एक ऐसा किला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लंबा समय बिताया। कोल्हापुर वो शहर है जहाँ 1917 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की गई थी। आज ये शहर मराठी फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प, पारंपरिक आभूषण, कोल्हापुरी साज, कोल्हापुरी चप्पलों, स्वादिष्ट मसालों तथा चीनी एवं कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कोल्हापुर पर्यटकों एवं व्यवसायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त ये जिला भारत के सहकारी आंदोलन के सबसे सफल उदाहरणों में से भी एक है। इसी कड़ी में यहाँ आने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कोल्हापुर हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया है, जिसके अंतर्गत नए टर्मिनल भवन सहित एटीसी टावर, फायर स्टेशन एवं कार पार्क का निर्माण किया गया है। कोल्हापुर के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। 3,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में प्रति घंटा 500 एवं वार्षिक 5,00,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। यात्रियों की सुगम आवाजाही हेतु 10 चेक इन काउंटर की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ATR 72 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार भी किया गया है। ये हवाई अड्डा नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे 24 घंटे परिचालन हो सकेगा। नए टर्मिनल भवन के डिजाइन में कोल्हापुर के ऐतिहासिक संरचनाओं की वास्तुकला की झलक मिलती है। भवन के अग्रभाग के तोरण द्वार का निर्माण यहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा हेमाडपंती शैली पर किया गया है, जिसकी जड़ें दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक की 12वीं और 13वीं शताब्दी की वास्तुकला में है। वर्तमान में कोल्हापुर हवाई अड्डे के इस नए टर्मिनल भवन से कोल्हापुर सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों जैसे सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लोगों को भी बेहतर हवाई संपर्कता का लाभ मिलेगा। साथ ही इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।